हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास बघेल और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल आयुर्वेदन मेडिसिन में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में। अश्वशिला कैप्सूल, शिलाजित कैप्सूल, अश्मरी कुआत, कायाकल्प कुआत, पीडांतन कुआत, मेधा कुआत, वृकदोषर कुआत, सर्वकल्प कुआत, कायाकल्प तेल, केश तेल, पीडांतन तेल, उदरकल्प चूर्ण, गैसर चूर्ण, दीर्घ चूर्ण, वातारी चूर्ण, अश्मरी चूर्ण, पीडांतन रस, सर्वासारी रस, आंवला रस, घृतकुमारी रस, कांति लेप, अमृत रसायन, पंतजलि दृष्टि, दिव्य धारा, दिव्य दंतमंजन और दिव्य पेय। यानी कि दोस्तों आज हम बात करेंगे 27 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समय को न गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में। अश्वगंधा के बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ज़्यादातर लोग दोस्तों अश्वगंधा के बारे में जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों ये नहीं जानते हैं अश्वगंधा का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा अश्वगंधा का हम इस्तेमाल किस में करते हैं और दोस्तों अश्वगंधा कैप्सूल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। दोस्तों अश्वगंधा को जो बनाने के लिए जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं उसके अंदर अश्वगंधा घनसत्व। दोस्तों घनसत्व का मतलब होता है जो उसके एक्सट्रैक्ट पार्ट होता है अश्वगंधा का, उसको अश्वगंधा घनसत्व कहा जाता है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से अश्वगंधा का घनसत्व लिया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं इसके लिए कौन सा इसका उपयोग किया जाता है, अश्वगंधा कैप्सूल का हमारा क्या फ़ायदा रहता है, इसके मुख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ाना अश्वगंधा कैप्सूल का सेवन करते हो तो आपकी शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव, अनिद्रा आदि सभी रोगों में दोस्तों आपको लाभ प्राप्त होगा। यह मस्तिष्क और हृदय को बल प्रदान करने वाला होता है, साथ ही साथ दोस्तों यह स्नायु दौर्बल्य और वात विकारों को दूर करने वाली सबसे श्रेष्ठ औषधि होती है। तो दोस्तों हमेशा अश्वगंधा का ही इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अश्वगंधा कैप्सूल अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपको अश्वगंधा ही मिल जाए तो ये अच्छी बात होती है। अदरवाइज दोस्तों आप अश्वगंधा कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपकी शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव और अनिद्रा के रोगों में लाभ प्राप्त रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपके मस्तिष्क तथा हृदय को बल प्रदान करेगा। दोस्तों अब जानते हैं अश्वगंधा कैप्सूल की सेवन विधि में मात्रा क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसकी जो सेवन विधि होती है और जो उसकी मात्रा है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। अश्वगंधा कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल प्रतिदिन सुबह शाम नाश्ता या खाने के बाद दूध या जल के साथ सेवन करना चाहिए। दोस्तों अगर दूध हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज दोस्तों आप ताज़े पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हो। दोस्तों दूध के साथ अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। दोस्तों इससे स्नायु दौर्बल्य और वात विकार दूर होने के लिए सबसे अच्छी श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। दोस्तों दूध अगर आपको लेना है तो आप जितना हो सके दोस्तों गाय के दूध के साथ अश्वगंधा कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दोस्तों गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप दोस्तों भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे दोस्तों अश्वगंधा का इस्तेमाल शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों इसके अंदर बलपूर्वक होती है और दोस्तों बल वीर्य से युक्त होने के कारण इसका इस्तेमाल शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए ही किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अश्वशिला कैप्सूल के बारे में। दोस्तों अश्वशिला नाम से पता लग रहा होगा, अश्व का मतलब होता है दोस्तों जो घोड़े की, और शिला मतलब होता है दोस्तों ये पर्वत। दोस्तों जिसके अंदर घोड़े के बराबर और पर्वत के समान जिसकी ताकत होती है उसे अश्वशिला कहा जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके मुख्य घटक या किस किस चीज़ से मिलता है। दोस्तों इसका जो मुख्य घटक है वो है अश्वगंधा घनसत्व। इसके अंदर दोस्तों अश्वगंधा का एक्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर शिलाजित सत्व भी होता है। दोस्तों शिलाजित और अश्वगंधा के दोनों के मिलन से अश्वशिला बनता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, इसके मुख्य गुणधर्म क्या है। दोस्तों यह थकान, तनाव, यौन दुर्बल्य, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, मधुमेह जन्य दौर्बल्य, धातु रोग, मूत्र विकार और शारीरिक दौर्बल्य में लाभप्रद रहता है। यह यौन विकारों को दूर करके निरापद व प्रभावशाली औषधि होती है। इसके अंदर उपस्थित अश्वगंधा तनाव व थकान को दूर करता है और जो शिलाजित होता है वो शुक्र धातु का पोषण करके मधुमेह तथा यौन दौर्बल्य को दूर कर जीवनीय शक्ति का संचार करता है। इसका रोजाना सेवन करने से दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों जो अश्वशिला कैप्सूल होता है उसका मुख्य रूप से काम थकान और तनाव को दूर करना होता है, साथ ही साथ दोस्तों यौन दुर्बल्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा के रोगों में, जोड़ों के रोगों में और दोस्तों डायबिटीज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत भरपूर मात्रा में किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों ये यौन विकारों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, इसलिए दोस्तों अश्वशिला कैप्सूल का जो मुख्य रूप होता है वो यौन विकारों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली औषधि होती है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से शिलाजित जो होता है वो शुक्र धातु को बढ़ावा देता है और दोस्तों ये डायबिटीज़ को ख़त्म करता है और यौन दुर्बल्य को दूर करता है।
करता है। इसके अंदर दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दोस्तों मैंने इम्यूनिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई है जहाँ पर 10 ऐसे फूड के बारे में बताया गया है जिनको खाने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी सेवन विधि में मात्रा क्या होनी चाहिए। दोस्तों जो अश्वशिला कैप्सूल होता है आपको रोजाना इसका सेवन 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ भोजन के बाद करना चाहिए। दोस्तों जब भोजन आप कर लो उसके 15 से 20 मिनट बाद आप दोस्तों अश्वशिला कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 1 से 2 कैप्सूल रोजाना करना है दोस्तों आपको, वो भी 2 बार दूध के साथ करना है, वो सुबह शाम कर सकते हो आप, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों एक बात तो याद रखनी है, अश्वशिला कैप्सूल का इस्तेमाल करने के बाद आपको सोना नहीं है। रात के समय में दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसको इस्तेमाल करने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद आपको नींद ग्रहण करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम शिलाजीत कैप्सूल के बारे में। दोस्तों शिलाजीत के नाम से भी आप भरपूर रूप से जानते होंगे, शिलाजीत क्या है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है यह हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है शिलाजीत सत, यानी कि दोस्तों जो शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट पार्ट होता है उससे शिलाजीत कैप्सूल बनाए जाते हैं। दोस्तों इसके मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं, इसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं। दोस्तों जो शिलाजीत कैप्सूल होते हैं इसका सेवन नपुंसकता यानी कि दोस्तों क्लैवता जो कि इनफर्टिलिटी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैंने एक इनफर्टिलिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अदरवाइज दोस्तों आप चैनल के अंदर जाकर इनफर्टिलिटी वाली वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इसका इस्तेमाल दोस्तों स्नायु विकार और रक्त में, यानी कि दोस्तों जो जिनका जो डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, इसमें दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। दोस्तों जो शिलाजीत कैप्सूल होता है उसका मुख्य रूप से इस्तेमाल मूत्र विकारों में लाभकारी होता है। दोस्तों अगर किसी का हाई बीपी होता है, अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो उसे कम करने के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार शिलाजीत कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर दोस्तों आप मांसपेशियों को ताकत प्रदान करना चाहते हो तो आप शिलाजीत कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादातर शिलाजीत का इस्तेमाल अपने दोस्तों शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये यौन दुर्बलता, वातज विकार, कफज विकार, धातु रोग और मूत्र विकारों में लाभप्रद रहता है। साथ ही साथ तो दोस्तों ये जीवनी शक्ति को बढ़ावा देने वाला होता है। दोस्तों जो जीवनी शक्ति होती है उसको बढ़ावा देने के लिए शिलाजीत कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी सेवन विधि में मात्रा क्या होती है। दोस्तों अगर आप शिलाजीत कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो तो आपको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ भोजन के बाद करने चाहिए। दोस्तों जब भी आप भोजन कर लो उसके 10 से 15 मिनट बाद शिलाजीत कैप्सूल का आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक बात तो याद रखनी है, आपको सिर्फ एक ही टाइप के कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, या फिर वो अश्वगंधा कैप्सूल हो, अश्वशिला कैप्सूल हो या शिलाजीत कैप्सूल हो, आपको दोस्तों तीनों को एक साथ में यूज नहीं करना है। आप किसी भी एक को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अब हम जानते हैं असमरी हर कुआत के बारे में। दोस्तों नाम से पता चल रहा है असमरी हर, जो असमरी का हर करने वाला होता है उसको असमरी हर कुआत कहा जाता है। दोस्तों जो असमरी का मतलब होता है दोस्तों मतलब पाषाण, जो मतलब कि दोस्तों पथरी रोग होता है उसको दूर करने के लिए असमरी कुआत का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम जानते हैं इसके मुख्य घटक क्या हैं। दोस्तों जो इसके मुख्य घटक हैं वो है पाषाण भेद, दूसरे नंबर पर दोस्तों वरुण, और फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों इसका पुनर्नवा, और दोस्तों चौथे नंबर पर इसका गोचर। दोस्तों जब पाषाण भेद, वरुण, पुनर्नवा और गोचर को मिलाया जाता है तो उससे असमरी हर कुआत बनाया जाता है, जो कि दोस्तों पथरी के इलाज में किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद कुआत रहता है, इसका 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से कितनी भी पुरानी दोस्तों किसी को पथरी हो रही है वो भी कट कट के मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके मुख्य गुणधर्म। दोस्तों जो दिव्य असमरी हर कुआत है आयुर्वेद में वर्णित मूत्रल व असमरी भेदन वनस्पतियों से निर्मित रहता है। इसका सेवन करने से दोस्तों मुख्य रूप से वृक असमरी में अति लाभदायक होता है। दोस्तों जिनको किडनी पे रीनल, जो किडनी बोलते हैं दोस्तों, जिनको किडनी या फिर रीनल ट्यूब्यूल है, यानी कि दोस्तों अगर किसी को रीनल के अंदर स्टोन हुए पड़े, रीनल स्टोन यानी कि दोस्तों किडनी के अंदर पथरी है जिसको, उसके लिए दोस्तों लाभप्रद रहता है। दोस्तों असमरी हर कुआत का प्रयोग पिताश्मरी में भी किया जाता है। दोस्तों पिताश्मरी का मतलब क्या होता है, जिनके पिताश्य के अंदर असमरी हो, यानी कि दोस्तों जिनके गॉल ब्लेडर में असमरी हो, उसका इस्तेमाल भी असमरी कुआत द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों समस्त प्रकार के मूत्र विकार जैसे कि मूत्रकृच, मूत्रदाह आदि में भी इसका सेवन लाभकारी रहता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम सेवन विधि में मात्रा, असमरी हर कुआत की सेवन विधि क्या होती है और उसकी मात्रा किस प्रकार, इसकी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको 1 चम्मच यानी कि दोस्तों 5 ग्राम कुआत को लेकर 400 मिलीलीटर जल में पकाना है। जब उसका 1/4 रह जाए, यानी कि दोस्तों जब उसका
100 मिलीलीटर रह जाए तो उसे छान कर ठंडा करके सुबह शाम खाली पेट लेना है। दोस्तों याद रखना है, इसे खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हो। एक सप्ताह के अंदर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की अस्मरी हो, किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको पथरी हो, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कायाकल्पवाद के बारे में। दोस्तों कायाकल्पवाद के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप दोस्तों वीडियो पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम कायाकल्पवाद के बारे में। दोस्तों जो कायाकल्पवाद होता है उसका मुख्य घटक, इसके अंदर दोस्तों बावची बीज, पनवाड हल्दी, दारू हल्दी, खैर छाल, करंज बीज, नीम छाल, मंजिष्ठ, गिलोय, चिरायता, कुटकी, चंदन, देवदारू, उषभ और द्रुण पुष्पी आदि, दोस्तों ये सभी इसके अंदर मुख्य घटक होते हैं जो कि इसका इस्तेमाल करने के, इन सभी को मिलाकर कायाकल्पवाद बनाया जा सकता है। या फिर दोस्तों आप ये कह सकते हो कायाकल्पवाद के अंदर ये सभी मिले होते हो, जैसे कि दोस्तों बावची बीज, पनवाड हल्दी, दारू हल्दी, खैर छाल, करंज बीज, नीम छाल, मंजिष्ठ, गिलोय, चिरायता, कुटकी, चंदन, देवदारू, उषभ और द्रुण पुष्पी, दोस्तों कायाकल्पवाद के अंदर ये सभी मिले हुए होते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कायाकल्पवाद हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, इसके मुख्य गुणधर्म क्या है। दोस्तों अगर आप इसका सेवन करते हो तो इस क्वाद का सेवन करने से सभी प्रकार के चर्म रोग, यानी दोस्तों आपको कोई स्किन डिजीज है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे दोस्तों एक्जिमा में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, कुष्ठ रोग में भी इसका लाभप्रद रहता है, सलीपद आदि सभी रोगों में दोस्तों ये लाभकारी रहता है। दोस्तों इससे पेट भी साफ होता है, मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग औषधि का नाम है कायाकल्पवाद। अगर दोस्तों आप कायाकल्पवाद का सेवन करते हो तो आपका मोटापा घट जाएगा, अगर आपका शरीर मोटा है तो आपका मोटापा शरीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों चरम रोगों के लिए कायाकल्प वटी और मोटापे के लिए मेदोहर वटी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कायाकल्प वटी का इस्तेमाल आप चरम रोगों में कर सकते हो। दोस्तों मेदोहर वटी का इस्तेमाल मोटापे के लिए कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके कायाकल्प वटी और मेदोहर वटी के बारे में वहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अब जानते हैं कायाकल्पवाद के बारे में। दोस्तों इसके सेवन विधि के बारे में बात कर लेते हैं, कायाकल्पवाद को किस प्रकार सेवन करना चाहिए। दोस्तों 5 से 10 ग्राम क्वाथ को लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाकर जब लगभग 100 मिलीलीटर यानी कि दोस्तों जब उसका 1/4 रह जाए तब उसे छानकर सुबह खाली पेट व रात्रि को भोजन के लगभग 1 घंटे पहले उसको पीना चाहिए। दोस्तों याद रखना, आपको खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हो या फिर दोस्तों रात्रि के समय जब आपको भूख लगी हो, भोजन खाने से 1 घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है। इसका स्वाद दोस्तों जो कड़वा होता है, हालांकि दोस्तों जो क्वाथ होते हैं वो कड़वे ही होते हैं, इसका स्वाद भी कड़वा ही होता है। यदि दोस्तों आपको मधुमेह नहीं है यानी कि दोस्तों अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप शहद या मिश्री को मिलाकर भी आप इसमें पी सकते हो। यदि काढ़ा अधिक मात्रा में न पिया जाए तो ज़्यादा उबालें और कम जल शेष रहने पर उसे छान कर पिए। दोस्तों इसको याद रखना है, अगर आप काढ़े को ज़्यादा मात्रा में नहीं पी सकते हो तो इसे आपको और ज़्यादा उबालना है और कम मात्रा में आप उसको जब जल शेष रह जाए तो उसे छान कर पी सकते हो। इसके अंदर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, क्वाथ को पकाने से पहले लगभग 8 से 10 घंटे भिगो कर रखना अच्छा और गुणकारी रहता है। दोस्तों जब भी आप क्वाथ को बनाएं उससे पहले आपको 8 से 10 घंटे तक उसे भिगो कर रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं पीठांतरण क्वाथ के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने पीठांतरक वट्टी के बारे में बताया था, आप वहाँ पर दोस्तों पीठांतरक वट्टी के फायदे के बारे में जान सकते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जानना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको पीठांतरक क्वाथ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं इसके मुख्य घटक क्या हैं। दोस्तों जब पीठांतरक क्वाथ को बनाने के लिए आपको पिपली मूल, निर्गुंडी, अश्वगंधा, रासना, दोस्तों जो रासना होता है उसे लहसुन बोला जाता है और दोस्तों जो नागरम होता है उसको अदरक बोला जाता है, अरंडमूल, सौंठ, अजवायन, नागकेशर, गजपीपल, पारिजात वृक्ष आदि वातशामक औषधियाँ, दोस्तों आपको इन सभी औषधियों को ले लेना है और आप इन सभी को मिलाकर पीठांतरक क्वाथ बना सकते हो। दोस्तों इसके मुख्य गुणधर्म यानी कि दोस्तों इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पीठांतरण मतलब पीड़ा को जो दूर कर दे उसको पीठांतरण कहा जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल जोड़ों को दर्द, दोस्तों सीआरटी का होता है जो ग्रंथिग्रस्त रोग होता है उस रोग को दूर करने के लिए भी पीठांतरण क्वाथ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर किसी को जोड़ों के दर्द यानी कि गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोई परेशान है तो पीठांतरण क्वाथ का इस्तेमाल करके अपने गठिया नामक रोग को दूर कर सकता है। इन सभी वेदनाओं और शोथ में ये लाभप्रद रहता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी प्रयोग विधि व मात्रा। दोस्तों आपको 5 से 10 ग्राम यानी कि दोस्तों 1 से 2 चम्मच क्वाथ को लगभग
400 मिलीलीटर पानी में पकाना है। जब उसका 1/4 यानी कि 100 मिलीलीटर रह जाए तब उसे छानकर सुबह खाली पेट व रात को सोते समय पीना चाहिए। विशेष लाभ के लिए किसी भी वातशामक औषधि को काढ़े के साथ सेवन करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। अति शोद्र व पीड़ा के लिए क्वाथ स्नान व सिकाई करने से आपको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपको कहीं पर चोट लगी है और आप दोस्तों इसका सेवन करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर दोस्तों आपको कहीं पर सूजन हो गई है तो वहाँ पर दोस्तों आप क्वाथ को स्नान कर ले, क्वाथ स्नान करके भी या फिर दोस्तों किसी गर्म चीज़ से सिकाई करके आप विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं क्वाथ स्नान विधि किस प्रकार की जाती है। दोस्तों रोग के अनुसार दिए हुए क्वाथ से यदि भाप लेनी हो तो निर्दिष्ट औषध को एक से 1.5 लीटर पानी में प्रेशर कुकर में डालकर पकाना है। जब सीटी से वाष्प निकलने लगे तब सीटी को हटाकर उसके स्थान पर गैस वाला रबड़ का पाइप लगा दें तथा पाइप को दूसरे सिरे से निकलते हुए वाष्प से रोगयुक्त स्थान पर वाष्प लगा दें। पाइप के जिस सिरे से वाष्प निकल रही हो वहाँ पर कपड़ा लगाकर अन्यथा गुनगुने जल के छींटे शरीर को जला सकते हैं। उचित समय पर वाष्प लेने से शेष बचे हुए गुनगुने जल से पीड़ा युक्त स्थान पर सिकाई करनी चाहिए। दोस्तों रोग के अनुसार क्वाथ के यदि भाप लेने चाहते हो आप तो उसमें निर्दिष्ट औषध को 1 से 1.5 लीटर पानी में प्रेशर कुकर में डालकर पकाएं। जब सीटी से वाष्प निकलने लग जाए तो उस सीटी को हटाकर उसी स्थान पर दोस्तों आपको गैस वाला रबड़ का पाइप लगा देना है। ऐसा लगाने से दोस्तों और वहाँ पर दोस्तों आपको कपड़ा भी लगा देना है। अगर दोस्तों आप कपड़ा नहीं लगाओगे तो जो गुनगुने जो जल के छींटे आपके शरीर को जला देंगे। उचित मात्रा में वाष्प लेने के बाद शेष बचे हुए गुनगुने पानी को पीड़ा युक्त स्थान पर लगाने से दोस्तों वहाँ पर सिकाई करनी चाहिए। यदि वाष्प ना लेना चाहते हैं दोस्तों अगर आप औसत का ही आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 लीटर पानी में उसे पका लें। जब उबलते समय लगभग वो आधा रह जाए, आधा पानी शेष रह जाए तो गुनगुने जल को कपड़े के माध्यम से किसी भी रोगयुक्त स्थान पर सिकाई करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और दोस्तों जानते हैं मेधा क्वाथ के बारे में। दोस्तों मेधा क्वाथ जो होता है, मेधा मतलब होता है दोस्तों जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है उसे मेधा कहा जाता है। दोस्तों मेधा क्वाथ के अंदर मुख्य रूप से जो मुख्य घटक होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों मेधा क्वाथ के अंदर ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जटामासी, उस्तरखदेशु, मालकांगनी, सौंफ, गाजवा को दोस्तों गोहिया कहा जाता है, कई कई स्थान पर इसे गोजिया कहा जाता है। दोस्तों इसके मुख्य घटक हैं जैसे कि ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जटामासी, उस्तरखदेशु, मालकांगनी, सौंफ और गाजवा। दोस्तों अब जानते हैं मेधा क्वाथ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किस प्रकार से फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों जो मेधा क्वाथ होता है वो जीन सिरसूल यानी कि दोस्तों जिनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है उनके लिए, माइग्रेन यानी कि दोस्तों अर्धाभेदक जिनको दोस्तों आधा ऐसा दर्द होता है कि जैसे कि किसी चीज़ से भेदन किया जा रहा है। दोस्तों इसे निद्रा अल्पता का मतलब है दोस्तों जो कम सोते हैं वो अगर मेधा क्वाथ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रॉपर नींद आएगी। दोस्तों डिप्रेशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके सेवन से दोस्तों घबराहट दूर हो जाती है और यह समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसके सेवन विधि में मात्रा किस प्रकार है। इसका काढ़ा बनाकर सुबह व शाम को पीना चाहिए। साथ में मेधावटी का इस्तेमाल करके आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं वृक्क दोषर क्वाथ के बारे में। दोस्तों जो वृक्क के दोष को हर कर ले, जो वृक्क के दोष को दूर कर दे उसे वृक्क दोषर क्वाथ कहा जाता है। दोस्तों इसके मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, इसके दोस्तों मुख्य घटक होते हैं सबसे पहले है दोस्तों इसके अंदर पाषाण भेद। इसके अंदर दोस्तों गोरखू का भी इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्नवा मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुनर्नवा का मतलब होता है जो अमृत के समान होती है, जो दूसरा जन्म देने वाली होती जो औषधि होती है उसे पुनर्नवा कहा जाता है। उसके आपको मूल का इस्तेमाल करना है, कुलथी का इस्तेमाल और वरुण की छाल का इस्तेमाल करना है आपको। दोस्तों जान लेते हैं इसके मुख्य गुण धर्म, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों इसका सेवन हमारे उत्सर्जन तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यह मूत्रल, शीतल व शोथर होता है। दोस्तों याद रखना है इसका इस्तेमाल उत्सर्जन तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जो मूत्रल, शीतल व शोथर होता है। शोथर का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको वेदना हो रही है उसको हरने वाला होता है और ठंडा होता है। इसका सेवन से गुर्दे की पथरी और मूत्राशय की पथरी टूट टूट कर निकल जाती है। जिनको बार बार पथरी बनने की शिकायत रहती है इस चीज़ का सेवन करने से आपको निश्चित रूप से पथरी बननी बंद हो जाएगी। इससे गुर्दे के अंदर का जो इन्फेक्शन होता है और जो अन्य विकार होते हैं वो सभी भी दूर हो जाते हैं। पित्ताशय की पथरी में भी लाभप्रद रहता है। दोस्तों जबकि कॉल ब्लैडर में पथरी है या फिर स्टोन है
उसको भी ये दूर कर देता है। जानते हैं दोस्तों इसकी सेवन विधि में मात्रा कितनी है, इसकी कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और इसकी कितनी क्या सेवन विधि है। आपको दोस्तों 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम की मात्रा में क्वाथ लेकर 1.5 गिलास या 1.5 लीटर पानी में उसको पकाना है। जब उसका 1/4 रह जाए तो उसे छान कर खाली पेट या फिर दोपहर के भोजन के 5 से 6 घंटे बाद, यानी कि दोस्तों रात को खाना खाने से पहले आपको 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपको खाली पेट ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ अश्मरीहर रस के सेवन से विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपको अश्मरीहर रस मिल जाए ना तो उसका सेवन करके भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। दोस्तों इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको भोजन जो दोपहर का भोजन आप कर लो उसके 5 से 6 घंटे बाद आपको उसका सेवन करना है। यानी कि दोस्तों अगर आप रात का भोजन करने से 2 घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है। और दोस्तों याद रखना है आपको शाम को उस टाइम पे भोजन नहीं खाना है, आपको जो खाली पेट होना चाहिए लगभग 6 घंटे तक आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, तभी दोस्तों इसका वृक्कदोषर क्वाथ का सेवन करना है आपको। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं वीडियो में। दोस्तों अब जानते हैं हम सर्वकल्प क्वाथ के बारे में। दोस्तों सर्वकल्प क्वाथ क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से दोस्तों पुनर्नवा, भूमि आंवला, अमलतास और मकोय आदि ये दोस्तों इसके मुख्य घटक पाए जाते हैं। दोस्तों जान लेते हैं सर्वकल्प क्वाथ किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। दोस्तों इस क्वाथ के सेवन का प्रभाव हमारे यकृत को सबल बनाता है, यानी कि दोस्तों जो लिवर जो कंडीशन की जो किसी को लिवर इन्फेक्शन हो जाता है या किसी प्रकार की कोई लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, ये हमारे लिवर को सबल बनाता है, मतलब कि हमारे जो लिवर को बल प्रदान करता है जिससे यकृत अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगता है। और दोस्तों जो लिवर होता है वो अपना सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। आजकल के दूषित खाने व दूषित पेय पदार्थ यानी कि दोस्तों जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, चाय या कॉफ़ी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से मनुष्य के शरीर के अंदर विषैले और जहरीले रसायन एकत्रित होकर यकृत की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और पीलिया यानी कि दोस्तों जो जॉन्डिस होता है उसकी अत्यंत जटिल स्थिति हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी असाध्य अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जो कि दोस्तों लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो आपको हो जाएंगी। और दोस्तों ऐसे असाध्य रोगों को दूर करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, यानी कि दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है एलोपैथी में तो इसका दोस्तों बहुत ही कम इलाज है, कहीं भी इलाज नहीं है, लेकिन दोस्तों आयुर्वेद के अंदर इसका इलाज है। दोस्तों सर्वकल्प क्वाथ यकृत से संबंधित उपरोक्त हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे जीन अवस्थाओं से बचाकर यकृत को क्रियाशील बनाता है। दोस्तों अगर आप सर्वकल्प क्वाथ का इस्तेमाल करते हो तो आपको अगर लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों इसका सेवन करने से पीलिया यानी कि पांडु रोग जो होता है, यकृत की वृद्धि, सूजन, मूत्र अलपता, स्वरांग सोत व पेट व पेडू में दर्द होना, भोजन का पाचन नहीं हो पाना, भूख न लग पाना आदि समस्त जितने भी दोस्तों विकार होते हैं, जितने भी दोस्तों किसी प्रकार का रोग होता है वो दूर हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी सेवन विधि में मात्रा क्या होती है। दोस्तों अगर आप सर्वकल्प क्वाथ का सेवन करते हो तो उसकी सेवन विधि क्या है, उसकी मात्रा क्या है। आपको 1 चम्मच लगभग यानी कि दोस्तों 5 ग्राम क्वाथ को 1 गिलास पानी यानी कि दोस्तों 300 मिलीलीटर में पकाकर जब वो 100 मिलीलीटर जल बचने पर उसे छानकर खाली पेट इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों सायंकाल खाने से 1 घंटे पहले या फिर रात्रि को सोते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि पेट साफ नहीं होता है तो दोस्तों इसे पकाते समय उसमें 8 से 10 मुनक्खा डाल लेने चाहिए। दोस्तों ये मुनक्खा होता है वो गर्मी करने वाला होता है, यानी कि दोस्तों इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए दोस्तों जो 8 से 10 ग्राम अगर 8 से 10 आप मुनक्खे का इस्तेमाल करोगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा। दोस्तों सर्वकल्प क्वाथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं हम कायाकल्प तेल के बारे में। दोस्तों कायाकल्प तेल, काया मतलब होता है दोस्तों शरीर पर जो तेल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दोस्तों दाद खाज खुजली को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कायाकल्प तेल कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके मुख्य घटक के बारे में। दोस्तों कायाकल्प तेल आप अपने घर पर कैसे बना सकते हो, आपको दोस्तों इसके लिए चाहिए बावची बीज, पनवाड़ बीज, दारू हल्दी, हल्दी, करंज बीज, निम्ब छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मंजिष्टा, अमृता, चिरायता, कुटकी, श्वेत चंदन, देवदारू, काली जीरी, द्रोण पुष्पी, कंटकारी, उषभ, रीठा, गोमूत्र और तिल तेल। इन दोस्तों आप इन सभी का इस्तेमाल करके आप कायाकल्प तेल अपने घर पर बना सकते हो, या फिर दोस्तों यूँ कह लें कायाकल्प तेल के अंदर ये सभी मुख्य घटक मुख्य रूप से होते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं मुख्य गुणधर्म, इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है, किस प्रकार फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों यह तेल दाद खाज खुजली, चमला दोस्तों यानी कि दोस्तों चर्म रोग है, एक्जिमा, श्वेत कुष्ठ,
सोराइसिस, शीत पित्त, चकत्ते उत्पन्न हो जाना, शरीर पर स्किन की एलर्जी, सनबर्निंग आदि समस्त रोगों को, जो चर्म रोग होते हैं उनको दूर करने में लाभदायक रहता है। दोस्तों कायाकल्प तेल शरीर के सभी बीमारियों दोस्तों जो जैसे कि जो त्वचागत प्रकार की बीमारी होती है उनको दूर करने में लाभप्रद रहता है। हाथ पैरों का फटना, जलने, कटने व घाव आदि पर लगने से यह शीघ्र ही प्रभावकारी होता है। यह कायाकल्प तेल प्रत्येक घर में सदैव रखने से आपके लिए दोस्तों एक दिव्य प्रकार का औषध होता है। अगर दोस्तों आप इसे रखोगे तो आपके लिए अमृत के समान रहेगा और आपको हर बीमारी से बचाएगा। दोस्तों इसके उपयोग और विधि, जब भी अगर दोस्तों किसी को रोग हो जाए या फिर किसी को जैसे दाद खाज खुज ली या किसी प्रकार का चोट लगना, घाव लगना, इंजरी होना या वुंड हो जाना, ऐसे अगर कंडीशन हो जाए तो उसे दिन में 2 से 3 बार लगाने से वो 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने इंजरी और वुंड के ऊपर एक वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों इंजरी और वुंड के ऊपर। उसमें दोस्तों आयुर्वेदिक बारे में बताया है कि आयुर्वेद से दोस्तों आयुर्वेद का अंडरटेक आप इंजरी को किस प्रकार दूर कर सकते हो उसके बारे में दोस्तों वहाँ पे बताया है। आप दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हो, चैनल के अंदर दोस्तों देख सकते हो, या फिर दोस्तों उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर उसे चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या फिर आप किसी प्रकार की बात पूछना चाहते हो या कुछ जानना चाहते हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आपको उसके बारे में पता कर सकते हो, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं केश तेल के बारे में। दोस्तों नाम से ही सिद्ध हो रहा है केश तेल जो दोस्तों केश यानी कि दोस्तों बालों को बढ़ाने के लिए जो लाभप्रद रहता है उसे केश तेल बोला जाता है। इसके अंदर दोस्तों मुख्य घटक जान लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर भृंगराज होता है। दोस्तों मैंने भृंगराज के ऊपर भी वीडियो बनाई है। भृंगराज दोस्तों आपको समस्त प्रकार के जो बालों की समस्या होती है उन सभी समस्या और सिर की दर्द की समस्या को दूर करने के लिए भृंगराज का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी भृंगराज की वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इसके अंदर केश तेल के अंदर ब्राह्मणी, आंवला, श्वेत चंदन, दारू हल्दी, कमल, अंततमूल, केतकी, जटामासी, नील, रतनजोत, श्वेत रति, प्रियंगू, लोद्र, नागकेशर, नागरमोथा, बला, तिलतिल आदि सभी होते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं केश तेल का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। दोस्तों जो केश तेल होता है उसका मुख्य गुणधर्म यह बालों के लिए अमृत के समान होता है। यह तेल ऐसे बालों का सफ़ेद होना, झड़ना, रूसी, गंजापन आदि सभी को रोकता है। इसको लगाने से बाल स्वस्थ व घने हो जाते हैं। अनेक द्रव्य जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ यह तेल आँखों की शक्ति और दिमाग की शीतलता भी प्रदान करता है। सिरदर्द व सभी प्रकार के सिरोविकारों में लाभप्रद रहता है। दोस्तों जो केश तेल होता है वो बालों के लिए अमृत के समान होता है। अगर दोस्तों आपके शरीर में के अंदर जो बाल हैं वो सफ़ेद पड़ गए हैं ऐसा समय से पहले ही, या फिर झड़ने या रूसी या गंजापन आपको हो गया तो आप इस सभी को रोकना चाहते हो, या फिर दोस्तों गंजेपन की समस्या, रूसी की समस्या, बाल सफ़ेद होना, बालों को झड़ना इन समस्याओं से पीड़ित है तो दोस्तों आप केश तेल या फिर भृंगराज तेल का सेवन करके या फिर उसे अपने शरीर पर लगा कर भी इस चीज़ से निजात पा सकते हो। इसको लगाने से दोस्तों बाल स्वस्थ और घने हो जाते हैं। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण के कारण दोस्तों इसका इस्तेमाल आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, दिमाग को शीतलता तथा ताकत प्रदान करने के लिए किया जाता है। सिर दर्द व सभी प्रकार के शरीर विकारों में लाभप्रद रहता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी उपयोग विधि। इस तेल को बालों की जड़ों में लगाकर अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। इससे दोस्तों जो आपका जो शरीर के अंदर जो कोई रूसी होगी वो भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको सिर में दर्द है तो भी कोई केस तेल के प्रयोग करने से आपका सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं पीड़ांतन तेल के बारे में। दोस्तों पीड़ांतन मतलब पीड़ा से ही समझ आ रहा होगा। दोस्तों शरीर के पीड़ा को दूर करने के लिए जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है उसे पीड़ांतन तेल कहा जाता है। इसके अंदर मुख्य घटक क्या होते हैं? दोस्तों इसके अंदर सबसे जो मुख्य घटक है वो है वसनाव, मधुजष्टि, पिपली मूल, सेंधा नमक, वच, गजपीपल, जटामासी, नागकेशर, हल्दी, दारू हल्दी, तेजपात, भृंगराज, मंजिष्ठ, पलाशमूल, पुष्करमूल, सुगंधवाला, शतावर, शौंठ, सोयाबीन, चित्रकमूल, सौंफ, अरंडमूल, अर्कमूल, धतूरा, अजवायन, कुफुलू, मालकांगनी, गंधप्रसारिणी, राशना, निर्गुंडी, लहसुन, गोदुग्ध, दही, गोमूत्र, दशमूल, जीवक, मेधा, वृद्धि, काकोली, छीरकाकोली, तिल तेल आदि। दोस्तों ये सभी प्रकार के जो मुख्य घटक इसके अंदर पाए गए हैं वो इसके अंदर पीड़ांतन तेल के अंदर पाए जाते हैं।
दोस्तों इसका मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं, किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद रहता है। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, सर्वाइकल स्पंडिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि सभी प्रकार की वेदना, शोथ व पीड़ा में लाभप्रद रहता है। दोस्तों किसी को अगर जोड़ों का दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल स्पंडिलाइटिस या स्लिप डिस्क आदि किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो उसे पीड़ांतन तेल का उसी स्थान पर लगाना चाहिए, इससे दोस्तों फायदा रहता है। इसकी उपयोग विधि, पीड़ायुक्त स्थान पर धीरे धीरे इसकी मालिश करनी चाहिए। यह तेल केवल बाहरी प्रयोग के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों इसका दोस्तों इस्तेमाल जो बाहरी प्रयोग के लिए ही किया जाता है। मालिश सदा ही हृदय की ओर उचित बल की ऊपर की तरह करनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको नीचे से ऊपर की तरफ आपको करनी चाहिए मालिश, और धीरे धीरे करनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं उदरकल्प चूर्ण के बारे में। दोस्तों अब चूर्ण के बारे में जानते हैं। उदरकल्प, उदर मतलब दोस्तों जो पेट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे उदरकल्प कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों मुख्य घटक क्या होते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मुलैठी, मुलैठी को दोस्तों यष्टी मधु बोला जाता है, जो खाने में मीठी रहती है। सौंफ के बारे में दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सनाय, सेवंद चीनी, गुलाब फूल, छोटी हरड़ और मिश्री, इन सभी को दोस्तों मिलाकर आपको उदरकल्प चूर्ण बना लेना है। इसके मुख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इसके फ़ायदा क्या होते हैं दोस्तों, ये पित्त शामक दोस्तों जो एसिडिटी पेट के अंदर होती है उसको दूर करता है, मृदु विरेचक होता है और सौम्य औषधि होती है। इसके चूर्ण के सेवन करने से पेट साफ होकर कब्ज दूर करता है। इसके सेवन से आंतों में किसी प्रकार की जलन या विकार उत्पन्न नहीं होते। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करके आपको पाचन करने में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों अब जानते हैं इसकी सेवन विधि में मात्रा क्या है। दोस्तों आप अगर आप उदरकल्प चूर्ण का इस्तेमाल करते हो तो आपको 2 से 4 ग्राम रात्रि को सोते समय गुनगुने जल या गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करना है। इसमें मिश्री होती है दोस्तों, यह अतः मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह मृदु होने से बच्चों के लिए हानिकारक विरेचक होता है दोस्तों, हानि रहित विरेचक होता है दोस्तों। मृदु होता है तो दोस्तों विरेचन करने विरेचक में भी हानि रहित होता है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं गैस हर चूर्ण। दोस्तों जो पेट के अंदर जो गैस बनती है उसको दूर करने के लिए जो चूर्ण बनाया जाता है उसकी चूर्ण की विधि जान लेते हैं, उसके फ़ायदे जान लेते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अजवाइन, काली मिर्च, नींबू सत, जीरा, काला नमक, छोटी हरड़ और शुद्ध हींग, इन सभी को मिलाकर पीस लेना है और दोस्तों इसका चूर्ण बना लेना है। इससे दोस्तों जो चूर्ण बनेगा वो किसी प्रकार की पेट की गैस को दूर करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस चूर्ण के सेवन से भोजन का पाचन होता है और अम्लपित्त आदि रोगों में लाभप्रद रहता है। भोजन के पश्चात पेट भारी होना, अफारा होना, दर्द, भोजन में अरुचि आदि, इन सभी में तुरंत लाभ प्रदान करने वाला होता है गैस हर चूर्ण। इसके सेवन विधि में मात्रा जान लेते हैं। भोजन के उपरांत आधा चम्मच गुनगुने जल से सेवन करना चाहिए। पेट में दर्द, अफारा, बेचैनी आदि सभी प्रकार की अवस्थाओं में किसी भी समय आप आधे चम्मच या एक चम्मच गुनगुने जल के साथ ले सकते हैं, उससे दोस्तों ये गैस हर चूर्ण जो होगा किसी प्रकार की भी गैस को दूर कर देगा। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं द्रव्य चूर्ण के बारे में। दोस्तों जानते हैं द्रव्य चूर्ण क्या होता है। दोस्तों जो द्रव्य चूर्ण होता है वो मुख्य रूप से पेट की समस्याओं के लिए भी किया जाता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि पेट को साफ करना, कब्ज को दूर करना, इसके लिए दोस्तों द्रव्य चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। जान लेते हैं दोस्तों इसकी जो मुख्य घटक क्या होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों गुलाब का फूल होता है, सौंठ, सेंधा नमक, सनाई की पत्ती होती हैं, छोटी हरड़ होती है, काला दाना और सौंफ, इन सभी के मिलाने से दोस्तों द्रव्य चूर्ण बनता है। इसके मुख्य गुणधर्म यानी कि दोस्तों इसके फायदे क्या हैं। यह चूर्ण कब्ज को दूर करता है, आंतों में जले मल को साफ करके बाहर निकालता है, आंतों को क्रियाशील बनाता है जिससे आंतों के अंदर की परत पर मल को पूर्ण जमने नहीं देता। यह चूर्ण उदर शूल, आद्यमान, अरुचि आदि विकारों में लाभप्रद रहता है, यानी कि दोस्तों पेट के दर्द को, आद्यमान और जिसके को दोस्तों किसी को भोजन खाने की इच्छा नहीं होती, इच्छा की रुचि होती है, उन सभी को दोस्तों इन सभी विकारों को दूर करने में अच्छा रहता है। इसकी सेवन विधि में मात्रा जान लेते हैं। दोस्तों एक चम्मच अपनी आवश्यकता के अनुसार रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वातारी चूर्ण के बारे में। दोस्तों वातारी चूर्ण को बनाने के लिए आपको सौंठ, अश्वगंधा, सुरजान मिट्टी, कुटकी, मेथी, इन सभी का प्रयोग करना है। इन सभी घटकों का इस्तेमाल करने से वातारी चूर्ण को आप बना सकते हो। इसके मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं। दोस्तों वातारी चूर्ण किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद रहता है। इस चूर्ण का इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के वात रोग, आम वात, संधिशूल, सर्वांग वेदना, इन सभी विकारों में लाभ प्राप्त होता है।
यह सिर शूलनाशक शूलनाशक और प्रकोपित वायु को समन करके आमवात ग्रंथिशी पीठ व कमर दर्द को दूर करने में लाभप्रद रहता है। इसके सेवन विधि में मात्रा जान लेते हैं दोस्तों। इसको आपको 2 से 4 ग्राम तक गुनगुने जल या दूध के साथ दोपहर को शाम के समय भोजन के बाद 2 बार इसका सेवन करना है दोस्तों। इसका सेवन आपको सुबह नहीं करना है दोस्तों। जो सुबह का टाइम होता है वो कफ को बढ़ाने वाला होता है और वात को घटाने वाला होता है दोस्तों। इसलिए वात को घटाने के लिए आपको दोपहर या शाम के समय ही इसका सेवन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अश्मरिहर चूर्ण के बारे में। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने अश्मरिहर क्वाथ के बारे में जाना था, अब जान लेते हैं हम अश्मरिहर चूर्ण के बारे में। इसके अंदर दोस्तों यव क्षार, मूली क्षार, श्वेत पर्पटी और दोस्तों इसके अंदर हजरन यहूद आदि, इन सभी को मिलाकर अश्मरिहर चूर्ण बनाया जाता है। इसके दोस्तों मुख्य घटक यानी कि दोस्तों इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह रस पाउडर जो होता है वो मूत्रल होता है। इसका सेवन करने से जमा हुआ कैल्शियम घुलकर शरीर के बाहर निकल आता है, जिससे अनेक प्रकार के उत्पन्न वेदनाओं से मुक्ति मिलती है। यह गुर्दे की सोत व पीड़ा को दूर करने में हेल्पफुल रहता है। इसका बार बार पथरी बनने की जिनको शिकायत रहती है, कुछ समय के बाद इसका सेवन करने के कुछ समय बाद ही दोस्तों पथरी बननी बंद हो जाती है। इस औषधि के सेवन से मूत्र दाह का शमन होता है और शरीर में एकत्र विजातीय तत्व जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। इसके सेवन विधि में मात्रा भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप अश्मरिहर चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 से 2 ग्राम अश्मरिहर चूर्ण सुबह खाली पेट और दोपहर को खाने के 5 से 6 घंटे बाद इसका अश्मरी क्वाथ के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इस अश्मरिहर रस को काढ़े के बिना भी सामान्य जल के साथ लिया जा सकता है दोस्तों। अब जानते हैं पीडांतन रस के बारे में दोस्तों। पीडांतन रस जो होता है उसके मुख्य घटक अजवायन, निर्गुंडी, सोजान मीठी, अश्वगंधा, राशना, मोथा, महावात विध्वंस रस, परबाल पिष्टि, शिलाजीत, मोती पिष्टि, शुद्ध कपिलु, हीरक भस्म, दशमूल गिलोय, जोगराज गिलोय, मंडूर भस्म, स्वर्ण माक्षी भस्म, इन सभी को मिलाने से दोस्तों पीडांतन रस बनाया जाता है। इसके मुख्य गुणकर्म जान लेते हैं मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद रहता है दोस्तों। जोड़ों के दर्द, गठिया रोग, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पेंडुलाइटिस, सियाटिका आदि सभी प्रकार के जो अत्यंत लाभदायक रहता है इन सभी चीज़ों में। यह समस्त प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं के शीघ्र ही और स्थायी रूप से लाभ प्रदान देता है दोस्तों। हम जान लेते हैं इसकी सेवन विधि में मात्रा, किस प्रकार हमको इसका सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में इस पीड़ांतर रस का सेवन करना चाहिए दोस्तों। अगर आप रस का सेवन कर रहे हो तो आपको 1-1 या 2-2 गोली 2 बार दूध के या गुनगुने जल के साथ भोजन के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, गठिया रोग, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, ये सभी प्रकार की बीमारियों को निजात पाने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। वीडियो में आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब जानते हैं हम सर्वांगसारी रस के बारे में दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सुरासारी रस के बारे में। सुरासारी रस क्या होता है? इसके दोस्तों मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं परवाल पिष्टि, अभ्रक भस्म, मुक्ता सुक्ति भस्म, टंकन भस्म, सफटिका भस्म, गोदंती भस्म, करपद भस्म, अकड़का मूल, लवंग मूल, दालचीनी, तीकटू चूर्ण, काकड़ा सिंगी, मधुजष्टि, रुद्रंती फल, इन सभी को दोस्तों मिलाकर आपको सुरासारी रस बना लेना है। इसके मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं दोस्तों। सुरासारी रस का सेवन करने से फेफड़ों के ऊतकों में अधिक क्रियाशीलता आती है, श्वसन नाली का सोत तथा फुफ्फुस सोत दूर होता है। इसके अधिक मात्रा का सेवन करने से दोस्तों ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है और ब्रोंकोटाइटिस जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है दोस्तों। ब्रोंकोटाइटिस जो होती है वो दोस्तों आपके अंदर जो फेफड़ों के अंदर जो लंग्स के अंदर होती है उन सभी से समस्याओं से दोस्तों निजात मिलता है दोस्तों। अगर आप सुरासारी रस का इस्तेमाल करते हो तो फेफड़ों में जमा हुआ कफ सरलता से बाहर निकल जाता है। इसका सेवन करने से फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है तथा कफ, नज़ला, जुखाम, दमा, बार बार छींके आना, सिर में भारीपन होना, साइनस आदि सभी प्रकार के रोगों को विशेष प्रकार से लाभप्रद रहता है। यह फेफड़ों को पोषण करने वाला एक उत्तम टॉनिक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसकी सेवन विधि में मात्रा, किस प्रकार हमको इसका सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए दोस्तों। 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक दिन में 2 या 3 बार भोजन से पहले शहद में या गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। इसको भोजन के बाद भी पिया जा सकता है।
यदि श्वास की तीव्रता अधिक हो तो आपको 50 ग्राम सुरसारी रस में अदरक मशरूम 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम मिलाकर 60 पुड़िया बनाकर रोजाना एक एक पुड़िया 2 से 3 बार शहद के साथ सेवन करनी चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं आंवला रस के बारे में। दोस्तों आंवला के बारे में तो आपने सभी ने बहुत कुछ जाना होगा। मैंने दोस्तों एक आंवला के ऊपर एक वीडियो बनाई है। दोस्तों आंवला जो होता है वो विटामिन सी के अंदर होता है। मैंने विटामिन सी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी दोस्तों विटामिन की वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों जो आंवला का रस होता है वो बालों को ऐसे में सफ़ेद होना, ग्रोथ कम होना, झड़ना या फिर गंजापन होना आदि समस्त केस रोगों के लिए, साथ ही साथ आँखों को चश्मा हटाने व समस्त नेत्र रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि होती है। इसका नित्य रूप से सेवन करने से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र संतुलित व स्वस्थ रहता है। इससे दोस्तों व्यय अवस्था यानी कि दोस्तों इनको बुढ़ापे की कंडीशन होती है, जन्य विकारों में शरीर की रक्षा होती है। आंवला रस उत्तम रसायन होता है जो कि वीर्यवर्धक होता है। इसका सेवन करने से स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और रोगी के रोग के निवारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में आंवला फल को अमृत तुल्य कहा जाता है। आंवला रस व्यवस्थापक होता है, अतः मानव शरीर को रोग से मुक्त करता है। आंवला शीत वीर्य होने से पित्त के विकारों में शीघ्र ही लाभ प्राप्त कर पहुँचाता है। यह तीनों वात पित्त कफ दोनों दोषों को सम करके रोगों को निवारण करता है। इसका लगातार सेवन करने से चेहरे की क्रांति व वर्ण की वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं सेवन विधि। इसकी सेवन विधि में माता किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों प्रातः उठते ही 25 से 50 ml रस गुनगुने या सामान्य जल में मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। आंवला या एलोवेरा रस का एक साथ मिलाकर सेवन करने से गैस आदि रोगों में विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप आंवला रस का शाम को भोजन खाने के बाद सेवन करते हो करना चाहिए। दोस्तों जो आंवला रस होता है उसका इस्तेमाल दोस्तों गैस संबंधी रोगों में किया जाता है। अगर आप इसका एलोवेरा के रस के साथ सेवन कर रहे हो तो भी दोस्तों फ़ायदेमंद रहता है। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं वीडियो में घृतकुमारी रस यानी कि दोस्तों एलोवेरा जूस के बारे में, एलोवेरा रस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पाचन तंत्र को सदा स्वस्थ बनाए रखने के लिए गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, कैंसर, कोलाइटिस, यौन रोग, धातु रोग, श्वेत पर्दर व रक्त पर्दर आदि समस्त रसती रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। एलोवेरा या आंवला का सबरस यदि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट व सायंकाल खाने के बाद पिया जाए तो लंबे समय तक रोगी निरोगी रह सकता है। दोस्तों ये व्यक्ति होता है अगर आप पाचन तंत्र को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाना चाहते हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों के दर्द, कैंसर, कोलाइटिस, यौन रोग, धातु रोग, श्वेत पर्दर, रक्त पर्दर आदि समस्त रोगों के लिए लाभप्रद रहता है। एलोवेरा प्लस आंवला का सबरस यदि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आप इसका सेवन करते हो। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है दोस्तों? जो 4 बजे से 5 बजे तक के बीच का जो समय होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 4 बजे से 4:48 तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर इस समय में आप इसका सेवन करते हो तो व्यक्ति जो होता है लंबे समय तक जी सकता है। इसके सेवन विधि में मात्रा भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको सुबह सुबह 25 से 50 ml एलोवेरा सबरस को पीकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। शाम को भी खाने के बाद जल में मिलाकर सेवन कर सकते हो। घृतकुमारी रस का आंवला रस व ज्वारे के रस के साथ भी लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम कांति लेप के बारे में। लेप के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो कांति लेप है इसके मुख्य घटक मेहंदी बीज या मेहंदी के पत्र ले सकते हो आप, आमा हल्दी, हल्दी, मंजिष्ठ, जायफल, सफ़ेद चंदन, सुगंधबाला, सफटिक विषम, समुद्र फेन, कत्था, कपूर आदि आप इसका इस्तेमाल करके कांति लेप बना सकते हो। इसके दोस्तों मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं। इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? दोस्तों यह लेप त्वचा में आई हुई सभी समस्याओं जैसे कि कील मुहासे, चेहरे पर झुर्रियों का पड़ना, निस्तेजता यानी कि दोस्तों जो चेहरे के अंदर तेज नहीं उत्पन्न होना उस चीज़ को दूर करने के लिए, कांतिहीनता शरीर के अंदर जो सफूर्ति नहीं होगी ना जिसके अंदर, उसके अंदर कांति की हीनता होगी। अगर दोस्तों किसी के अंदर कालापन है यानी कि दोस्तों उसका चेहरा काला है या फिर बॉडी काली है, इन सभी विकारों में शीघ्र जो लाभकारी रहता है वो है कांति लेप। इसे चेहरे पर निरंतर लेप करने से लेप त्वचागत सभी विकारों में अवशोषित कर लेता है जिससे रोगग्रस्त त्वचा पूर्ण स्वस्थ हो जाती है। चेहरे का प्राकृतिक सौंदर्य फिर से निखरता है। मुख पर ओज, तेज व क्रांति आ जाती है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी सेवन विधि व मात्रा। कांति लेप को किस प्रकार सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए? लगभग 1 चम्मच पाउडर लेकर पानी या गुलाब जल या फिर कच्चा दूध लेकर आप इसे लेप करके पेस्ट बना लें।
इस लेप को चेहरे पर 3 से 4 घंटे तक लगा रहने दें और बाद में गुनगुने पानी से इसे धो लें। दोस्तों हो सके तो इसका इस्तेमाल आपको रात्रि के समय करना चाहिए। रात्रि के समय इसे आप चेहरे पर लगाकर सो जाएं। अगर दोस्तों आप दिन में इसका सेवन करना चाह रहे हो, आप इसका सेवन या फिर लगाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। 5 बजे उठकर आपको इस लेप को लगा लेना चाहिए और दोस्तों 8 से 9 बजे अपने चेहरे को साफ कर लेना चाहिए। दोस्तों किसी भी लेप का इस्तेमाल गर्मी के समय में नहीं करना चाहिए, यानी कि दोस्तों दोपहर के समय में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों आपके चेहरे के अंदर ऑयली स्किन हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अमृत रसायन के बारे में। इसके मुख्य घटक क्या हैं दोस्तों? इसके अंदर आंवला पिष्टी, गोघृत यानी कि दोस्तों गाय का घी, केसर, ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, बादाम, वंशलोचन, एला, दालचीनी, शतावर, कोच बीज, प्रवाल पिष्टी आदि। दोस्तों शतावरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके दोस्तों मैंने गुण के बारे में बताया और उसके फ़ायदों के बारे में बताया शतावरी के बारे में। दोस्तों इसके मुख्य घटक के बारे में जान लिया है, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों ये किस प्रकार फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों यह मस्तिष्क को पूर्ण पोषण देने वाला अत्यंत लाभप्रद रसायन होता है। यह मेधावर्धक यानी कि दोस्तों बुद्धिवर्धक होता है, शीतल होता है, शरीर को संपूर्ण अंगों को शक्ति प्रदान करता है, पुष्टि व आरोग्य प्रदान करने वाला होता है, शरीर को पुष्ट करके बल कांति को बढ़ाने वाला, नेत्रों के लिए हितकारी, शीतल रसायन व गर्मी की ऋतु को विशेष रूप से सेवनीय रहता है। दोस्तों यह जो विद्यार्थी होते हैं और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनके लिए उत्तम टॉनिक होता है। दोस्तों अगर कोई अमृत रसायन का विद्यार्थी सेवन करता है तो वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा उसको दिमाग तेज चलने लगेगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम सेवन विधि में मात्रा क्या है अमृत रसायन की। 1 से 2 चम्मच यानी कि 10 से 20 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ, रोटी के साथ या चटनी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए दोस्तों आप उसके साथ अमृत रसायन का सेवन कर सकते हो। दोस्तों अब जान लेते हैं हम पतंजलि आई ड्रॉप के बारे में। दोस्तों पतंजलि आई ड्रॉप जो दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी ग्लैकोमा के बारे में, यानी कि दोस्तों जिनको अंधेपन की समस्या या फिर आंखों के अंदर दोस्तों मोतियाबिंद टाइप का कुछ हो जाता है उसे ग्लैकोमा कहा जाता है, उसके लिए दोस्तों आप पतंजलि दृष्टि का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी आँखों को बचाने के लिए, अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और मोतियाबिंद को दूर करने के लिए। नियमित रूप से 2-2 बूंद औसत को आंखों पर डालने से मोतियाबिंद कट जाता है। ग्लोकोमा के रोगी को आंखों का दबाव कम हो जाने के कारण धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कम उम्र के आंखों पर दूर या नज़दीक का चश्मा, आंखों की एलर्जी, काला या सफ़ेद मोतिया, ग्लोकोमा या कैटरेक्ट, डबल विजन, कलर विजन, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोशा, रतौंधी व यूवाइटिस आदि सभी समस्त नेत्र रोगों को बचाने के लिए और समस्त प्रकार के नेत्र रोगों को छुटकारा पाने के लिए जो उत्तम औषधि होती है वो है पतंजलि दृष्टि। इसकी सेवन विधि जान लेते हैं दोस्तों। आपको 1 से 2 बूंद सुबह शाम आँख में डालनी है। बच्चों को गुलाब जल में मिलाकर डाल लेनी चाहिए और 5 मिलीलीटर गुलाब जल में 5 बूंद दृष्टि आई ड्रॉप डालकर रख लेना चाहिए। इससे बच्चों एवं कोमल प्रकृति के व्यक्ति के लिए लाभप्रद रहता है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं द्रव्य धारा के बारे में। द्रव्य धारा क्या होती है दोस्तों? धारा शरीर के ऊपर डाली जाती है, आप उसे दोस्तों द्रव्य धारा होती है उसका इस्तेमाल बहुत सारे रोग जैसे कि हैजे के रोग, कब्ज आदि रोगों पे, पेट के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुख्य घटक क्या हैं दोस्तों? पीपरमेंट होता है, कपूर होता है, अजवाइन सत लेना है, लौंग लेना है और तेल लेना है। आप इनका इस्तेमाल करके द्रव्य धारा बना सकते हो। इसके मुख्य गुणधर्म सेवन विधि जान लेते हैं दोस्तों। 5 से 10 बूंद द्रव्य धारा को सौंप आदि के अर्क में मिलाकर 15-15 मिनट देने से हैजे में लाभ प्राप्त होता है। जब रोग में लाभ होने लगे तो उसी समय उसे बढ़ाकर आधे घंटे तक 1 घंटे या 2-2 घंटे पश्चात देना चाहिए। इससे हैजे में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों हैजे की जो बीमारी होती है या फिर दोस्तों अतिसार या डायरिया आदि जो बीमारी होती है उन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए द्रव्य धारा का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर दर्द, दांत के दर्द, कान का दर्द, नक्सीर, शीतपीत, खांसी, अजीर्ण, मंदग्नि आदि सभी रोगों में लाभप्रद रहता है। सिर के दर्द में माथे पर इसके 3 से 4 बूंद लगाकर मालिश करने से या फिर सूंघने से सिर दर्द तुरंत ही गायब हो जाता है। दांत दर्द करने लगने पर दोस्तों इसे रुई में लगाकर पीड़ायुक्त स्थान पर द्रव्य धारा का इस्तेमाल दांतों को दर्द को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर दोस्तों किसी को पेट में दर्द यानी कि उदरशील है, आद्यमान, आटोप आदि उदर विकारों में खांड, बताशा या गुनगुने जल में 3 से 4 बूंद डालकर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों हल्की कड़वी होती है इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल मीठे के साथ करना चाहिए।
दमा व श्वास के रुमाल, दमा या श्वास में रुमाल पर दिव्य धारा को लगाने से सूंघने से व छाते पर लगाने से विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जान लो दिव्य धारा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को दमा या अस्थमा की बीमारी है तो उसके रुमाल पर दिव्य धारा की 5 से 6 बूंद डालें और उसे नाक से सूंघने के लिए कहें, या फिर दोस्तों छाती पर रख कर भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। श्वास रोग बढ़ने की वजह से यदि श्वास न ले पाएँ तो आधे से 1 लीटर गुनगुने जल में 4 से 5 बूंद दिव्य धारा डालने से वाष्प लेने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जो जिसको सांस लेने में कंडीशन होती है वो एक तरह की जो मशीन सी होती है उसको दबाकर उसको सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों आपके पास वो नहीं है तो आप 1 से 1.5 लीटर गर्म पानी कर लें, अच्छी प्रकार से उसे पका लें और उसमें 4 से 5 बूंद दिव्य धारा की डालें, तो इससे दोस्तों आपको जो श्वास में लाभ प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं दिव्य दंत मंजन के बारे में। दोस्तों अगर आप दंत मंजन करना चाहते हो तो दिव्य दंत मंजन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके मुख्य घटक जान लेते हैं दोस्तों, बबूल, नीम, मूलसरी, तुम्बरू, माजूफल, छोटी पीपल, अकरका मूल, लवंग, लवंग दोस्तों लौंग को कहा जाता है, काला नमक, समुद्र फेन, सेंधा नमक, सफटिक वशन, कपूर देशी और पीपरमेंट, इनमें से दोस्तों आप किसी का भी इस्तेमाल करके दंत मंजन को बना सकते हो। इसके मुख्य गुणधर्म जान लेते हैं दोस्तों, क्या फ़ायदा होता है दंत मंजन का। दंत मंजन दोस्तों दांतों की साफ़ सफाई करने के लिए किया जाए उसे दंत मंजन बोला जाता है। इसका उपयोग करने से दोस्तों मुख दुर्गंध है, यानी कि दोस्तों जिनके मुख से दुर्गंध आती है वो दूर हो जाती है, आदि सभी विकारों का शमन होता है, जिससे फलस्वरूप मसूड़ों से निकलने वाला रक्त प्यू दोस्तों पायरिया होता है वो भी दूर हो जाता है, दांतों में फंसे हुए अन्न कण भी बाहर निकल जाते हैं। इसका प्रयोग करने से दांतों व मसूड़ों के विकारों का शमन होता है। चलिए दोस्तों सेवन विधि जान लेते हैं दंत मंजन की। इस मंजन को मध्य की उंगली से मसूड़ों और दांतों पर अच्छी प्रकार से मालिश करना चाहिए, या फिर टूथब्रश की हेल्प से मंजन को आप कर सकते हैं। इसके पश्चात पानी से अच्छी प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए। रात को भी खाने के बाद मंजन को प्रातः काल की तरह उपयोग करना चाहिए दोस्तों, 12 घंटे के अंदर मंजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों दिव्य दंत मंजन के प्रयोग से दांतों के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं, अब हम जानते हैं दोस्तों दिव्य पेय यानी कि दोस्तों हर्बल टी के बारे में। दोस्तों हर्बल टी के बारे में तो आप सभी ने जाना होगा, ग्रीन टी, हर्बल टी, ऐसी टी का इस्तेमाल करके जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, शरीर को रोगों से बचाती हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं, उनको हर्बल टी बोला जाता है। ये पेय पदार्थ के अंदर शामिल होती है। दोस्तों जान लेते हैं इसके मुख्य घटक और फायदों के बारे में। दोस्तों इसके अंदर एला यानी कि इलायची होता है, तेजपत्ता, दालचीनी, लवंग, चंदन, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, गुलाब फूल, कमल फूल, अश्वगंधा, सोमलता, पुनर्नवा, वाशा, चित्रक, अमृता, भूमि आंवला, आज्ञा घास, वनफशा फूल, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तुलसी, छोटी पिपली, श्वेत चंदन, चव्वे सौंठ, नागरमोता, तेजपत्र, सौंफ और अर्जुन, इन सभी को मिलाने से दोस्तों इन सभी का इस्तेमाल करने से हर्बल टी बनाई जाती है। हर्बल टी के फायदे जान लेते हैं। इसके मुख्य फायदे क्या हैं दोस्तों, इसके मुख्य गुणधर्म क्या हैं। यह मादकता रहित दोस्तों यानी कि जिनको नशे की कंडीशन होती है उसको दूर करता है, मधुर होता है, स्वादयुक्त चाय का उत्तम विकल्प, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इस प्रयोग के सेवन से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है और कफ आदि सभी रोग शरीर को आक्रांत नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की असावधानी पूर्व वेश में रोग शरीर में आ जाता है और दूसरे से शुरू छुटकारा मिल सकता है अगर आप द्रव्य पे यानी कि हर्बल टी का इस्तेमाल करते हो। इसके सेवन से मंदग्नि दूर हो जाती है, मस्तिष्क को शांति व शक्ति प्राप्त होती है तथा शरीर को शक्ति में वृद्धि होती है। इस पेय का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल का नियमन रहता है और दोस्तों हृदय रोगों से इसे बचाया जाता है। दोस्तों अगर आप हर्बल टी का रोजाना इस्तेमाल करते हो तो आपको मंदग्नि से दूर करेगी, मानसिक तनाव से दूर करेगी और दोस्तों हृदय के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ चुका है कोलेस्ट्रॉल वो भी नियमित रूप से नियम कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं इस दिव्य पेय पदार्थ को यकृत होता है दोस्तों जो लिवर होता है उसमें शक्ति प्रदान करता है। सबसे उत्तम बात यह है कि दोस्तों यह दूध में उपस्थित स्नेह तत्व को नष्ट नहीं करता तथा दोस्तों यह निकोटिन रहित होता है। दोस्तों चाय होती है उसके अंदर निकोटिन पाया जाता है, ड्रग होता है दोस्तों निकोटिन, जो कि धीरे धीरे दोस्तों उसकी आदत पड़ जाती है और दोस्तों फिर आदत पड़ने के बाद दोस्तों किसी चीज़ की आदत पड़ना बहुत ज़्यादा बेकार रहता है अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है। हालांकि दोस्तों आदत पड़ने का अंडरटेक अगर दोस्तों ड्रग की आदत पड़ जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक रहती है, किसी और प्रकार की आदत पड़ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दोस्तों अगर ड्रग की आदत पड़ गई
तो वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार रहती है। जबकि दोस्तों बाजरा में उपलब्ध चाय में निकोटिन होता है, दोस्तों चाय के अंदर निकोटिन होता है याद रखना, इसलिए चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए तथा इसका सेवन करने से गैस कब्ज व एसिडिटी जैसे रोगों में सहजी लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों आपको चाय का इस्तेमाल कब करना चाहिए, दोस्तों चाय होता है वो नींद को भगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम की कंडीशन में दोस्तों अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, रात के समय पढ़ना चाहते हो, तो आप एक कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको ज़्यादा चाय का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों अब जानते हैं सेवन विधि व मात्रा। दोस्तों इसकी जो सेवन विधि व मात्रा कुछ इस प्रकार है, इस पेय को उपयोग विधि सामान्य रूप से चाय की तरह ही होती है, मात्रा भी सामान्य रूप से चाय की तरह ही होती है, बल्कि उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, वो डालना आपके अंडरटेक होता है। इसे दूध में डालकर सामान्य चाय की अपेक्षा अधिक देर तक पकाना होता है। दोस्तों इसे पकाने की जो विधि होती है उसे लंबे समय तक पकाया जाता है, चाय की अपेक्षा ज़्यादा लंबे समय तक, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा। इसमें जड़ी बूटियों का अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अगर इसमें आप जड़ी बूटियों को मिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आवश्यकता के अनुसार दोस्तों इसमें चीनी मिलाकर इसको पीना चाहिए। इसको पीने से यकृत में लाभ प्राप्त होता है, गैस संबंधी समस्या, एसिडिटी, हृदय रोगी, बहुत सारी बीमारियों में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदन मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।